मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट, 35 जिलों में हो सकती है अति भारी बारिश। 35 जिलों में शामिल है गुना का नाम भी। जिन क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है वहां 24 घंटों के दौरान 64 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। पीजी कॉलेज में ईवीएम मशीन हटाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। कॉलेज में निर्वाचन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में चले आ रहे कई कक्षाओं के कारण कक्षाओं के लिए स्थान नहीं बचने का हवाला देते हुए इन्हें खाली कराए जाने की मांग की गई है। जी बताएं, किस संदर्भ को लेकर आज ज्ञापन देने आए थे? जी आज एनएसयूआई कॉलेज कमेटी, जो कॉलेज में ईवीएम रखी हुई है, आज से एक साल पहले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें जो ईवीएम यहां से रखवाई गई थी पीजी कॉलेज में, उनके द्वारा कॉलेज परिसर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल महाविद्यालयीन कार्य तो हो ही नहीं पा रहे हैं और परीक्षाएं एवं जो अन्य छात्रों की समस्याएं हैं वो भी आ रही हैं, तो हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि वो ईवीएम को वहां से हटवाकर जो नया कलेक्ट्रेट में भवन निर्माण हो चुका है ईवीएम रखने के लिए, उनमें शिफ्ट कराई जाएँ ताकि छात्रों को समस्या ना आए। इसलिए आज एनएसयूआई कॉलेज कमेटी ये ज्ञापन दे रही है जिला प्रशासन को। आपका नाम? जी मेरा नाम प्रद्युमन कुशवाहा है, मैं एनएसयूआई उपाध्यक्ष हूँ पीजी कॉलेज। लॉन्स नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से आज स्थानीय बुढ़वाली क्षेत्र में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पलता गुप्ता की स्मृति में परिवार के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ CMHO डॉक्टर पी बुनकर, डॉक्टर आर के दिवाकर व डॉक्टर एम के जैन ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदीप शर्मा को छागर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। आज प्रदीप शर्मा की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छागर पुलिस द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मेरे पति को जेल भेजा गया है तथा मामले की पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जिला अस्पताल गुना रेडक्रॉस भवन में नव वर्ष के आगमन पर GCI गुना पायोनियर एवं श्री बालाजी ब्लड बैंक सेवा समिति गुना के द्वारा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही SDM शिवानी गर्ग तथा शिवानी गर्ग द्वारा रक्तदान शिविर का आरंभ किया गया, जिसमें GCI गुना पायोनियर की महिला इकाई के द्वारा रक्तदान किया गया। माफिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत आज प्रशासन द्वारा स्थानीय गोकुल सिंह चक पर अतिक्रमण हटाया गया। यहां करोड़ों की भूमि का अतिक्रमण मुक्त किया गया। SDM शिवानी गर्ग, तहसीलदार सोनू गुप्ता, राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। यहां गुड्डा महाराज नामक व्यक्ति द्वारा 1.2 करोड़ की 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर फसल बो दी गई थी, जिसे JCB द्वारा नष्ट किया गया। आमने सामने बाइक भिड़ंत में 2 लोग हुए घायल। जिले के झागर चौकी क्षेत्र अंतर्गत दोपहर में आमने सामने हुई 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 100 डायल और 108 एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गुना पुलिस को स्थायी वारंटी धन्ना पुत्र अजय सिंह बंजारा को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। म्याना के साक्षी हॉस्पिटल में लगा निशुल्क शिविर। आज म्याना साक्षी हॉस्पिटल में जन औषधि संघ के तत्वाधान में शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के मरीजों का उपचार किया और विभिन्न डॉक्टरों द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जनजागरण अधिनियम को लेकर मंडल बमोरी में भाजपा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन कंकाली मंदिर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरि सिंह यादव ने प्रकाश डाला, जिसमें बमोरी मंडल अध्यक्ष हरि सिंह यादव, मुदौल जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, युवा मोर्चा जिला महामंत्री वीरेंद्र डोगरखेड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोतीलाल प्रजापति मंचशीन रहे। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा द्वारा न्यायालय परिसर को धूम्रपान मुक्त करने संबंधी निर्देश के अनुक्रम में जिला रजिस्ट्रार न्यायिक मजिस्ट्रेट कोशलेंद्र
सिंह भदौरिया के द्वारा वर्ष भर प्रयास किए गए तथा समय समय पर न्यायालय परिसर का निरीक्षण करने के दौरान न्यायालय परिसर में तंबाकू एवं बीड़ी का सेवन करते हुए पाए जाने वाले 245 लोगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया। नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संकल्प आरोन, ज्ञात हो कि नेकी की दीवार आरोन के जरूरतमंद लोगों के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रही है। जहां नए कपड़े पुराने कपड़े आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, वहीं एक अच्छी मुहिम नेकी के सदस्यों द्वारा चलाई गई है। आम लोगों का जन्मदिन यहां भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। 1 जनवरी को नगर के गणमान्य समाज सेवी महावीर रघुवंशी देवरी, युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवा यादव एवं नन्हे बालक शौर्य प्रताप सिंह सेंगर का जन्मदिन भी यहां मनाया गया। उनके द्वारा बुजुर्गों को कंबल प्रदान किए गए। नववर्ष के अवसर पर नेताजी मोहन प्रसाद फाउंडेशन द्वारा तमाम नशे पर जन जागरूकता का साप्ताहिक रूप से चलाने का संकल्प भी लिया गया। CAA पर भाजपा ने शुरू की जन जागरूकता। आरोन लोगों को नागरिक संशोधन कानून की जानकारी देने के लिए भाजपा ने जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को स्थानीय वर्तमान कॉम्प्लेक्स में बैठक कर कार्यकर्ताओं ने कानून के प्रचार प्रसार के लिए रणनीति भी बनाई। गुरुवार को शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा ने आरोन मंडल में इनसे संबंधित बैठक करके अभियान के सफलता की विस्तृत रूपरेखा तय की। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आरोन रैली जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी, साथ ही मंडल, तहसील, पंचायत, वार्ड स्तर पर भी हमारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जो बिल पास हुआ है उसको आम नागरिकों को अधिगत तथा किसी के विरुद्ध नहीं है, वो आम लोगों के हित में, देश हित में, ये सब हम आम मतदाता को बताने का प्रयास करेंगे।